हाय गाइस, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा दही चिकन। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 tablespoon काली मिर्च। काली मिर्च मैंने घर पे बनाई है फ्रेश। 1 tablespoon नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1 tablespoon रेड चिल्ली पाउडर, और अब मिला लेंगे इसे अच्छे से। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम दही। 1 kg चिकन में मैंने 200 ग्राम दही लिया है। मिला ले इसे अच्छे से। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon जीरा पाउडर, 1 tablespoon चिकन मसाला, 1 tablespoon गरम मसाला, 1 tablespoon हल्दी पाउडर। हमें इस चिकन में बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, 1 kg चिकन में इतने मसाले काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए मसाले जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए आधे घंटे हो चुके हैं और मसाले जो है हमारे बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 tablespoon ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हो। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी इलायची। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज। अब अच्छे से इसे हम भुनेंगे। हमें प्याज को इतना ही भुनना है जिससे प्याज ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे 1 medium size के टमाटर ऐड किया है। टमाटर आप इसमें ज़्यादा ना लें, क्योंकि चूँकि हमने चिकन में दही भी डाला हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा टमाटर इसमें लेते हो तो बहुत चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो आप टमाटर इसमें थोड़ा कम ऐड करें। और अब इस स्टेज पर ही मैं चिकन को ऐड कर रही हूँ। आप ध्यान रखें कि इस चिकन में हमें प्याज और टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। ये देखिए यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा हुआ है, और करीब इसे 3 से 4 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर ही भुनेंगे। तो देखिए करीब 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपना बिल्कुल पानी छोड़ दिया है, और अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक पकने देते हैं। और ये देखिए 15 मिनट के बाद चिकन ने बिल्कुल अपना पानी छोड़ दिया है, और इस पानी में ही हमें पकाना है। इसमें और एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए, और अब हम इसे फिर से ढककर 15 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार चिकन को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए चिकन की ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ
शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मैंने मीडियम साइज़ के कट किए हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हो, छोटे बारीक भी काट सकते हो और चाहे तो आप बड़ा भी काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के कट किए हैं। और आप इस बात का ध्यान रखें कि शिमला मिर्च जो है वो आप पहले ना डालें। अब हम इसे 2 मिनट ढककर और पकाएंगे ताकि जो शिमला मिर्च है हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया की पत्ती। मिला लेंगे इसे अच्छे से। और देखिए चिकन जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं ये चिकन डिनर के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है इसमें। अगर आप इस चिकन में ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो तो आप इस स्टेज पर आप थोड़ा पानी ऐड कर ले और 1 से 2 मिनट तक करीब इसे पकने दे। और अगर आप चिकन में मसाले ज़्यादा पसंद करते हो तो आप 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर की जगह आप 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हो, पर ज़्यादा ना ऐड करें। देखिए बिल्कुल कम मसालों में हमारा चटपटा दही चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।